प्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 नादान दोस्त का शेष भाग पढ़ाऊंगी। इससे पूर्व मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि दो बच्चे हैं, श्यामा और केशव। उनके घर में उनकी कार्निस पर चिड़ियों ने 3 अंडे दिए हैं। अंडों को देखकर बच्चे अति उत्साहित हो जाते हैं और दिन भर उन्हीं की रखवाली में घूमने फिरने लग जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों अंडों की रखवाली के लिए क्या करते हैं, एक तो चांदी बना देते हैं ऊपर और उनके खाने पीने के लिए दाना और पानी रख देते हैं। और जब ये कार्य कर रहे होते हैं तो उसी समय उनकी माता आ जाती हैं। अब उसके आगे मैं आपको इस पाठ को बताऊंगी। आगे फिर माँ, गर्मी का समय है, माँ दोनों बच्चों को, 2 बज रहे होते हैं, माँ दोनों को लेकर कमरे में चली जाती है और दोनों को सुला देती है। सोने के बाद अचानक से श्यामा की जो आंख होती है वो 4 बजे खुलती है और उसको ख्याल आता है अंडों को देखने का। तो वो उठकर, दरवाजा खुला है तो वो उठकर जाती है बाहर और देखती है अंडे कहाँ पर पड़े हैं। जब अंडों को वो देखने जाती है बाहर तो क्या देखती है कि जो अंडे हैं वो धरती पर गिरे पड़े हैं और उनमें से कुछ चूना चूना सा गिर रहा होता है। वो डर जाती है, घबरा कर वो अंदर भागती है और अपने भाई केशव को बुला लाती है। कहती है, भैया जल्दी आओ बाहर, देखो अंडों का क्या हाल हो गया है। तो केशव घबरा जाता है, उठकर जल्दी से बाहर भागकर आता है तो केशव देखता है कि जो अंडों में से सफेदी रंग का कुछ बाहर निकल रहा है। तो श्यामा, केशव भी रोनी सी शक्ल केशव की बन जाती है। तो जो श्यामा होती है कहती, भैया चिड़िया कहाँ गई। कहती, देखती नहीं अंडे टूट गए। कहती, अंडे टूट गए लेकिन चिड़िया कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए चिड़िया के। तो वो कहता, अरे मूर्ख, इन्हीं चूने का तो इनमें से बच्चे निकलने थे, अब ये टूट गए अर्थात अब बच्चे नहीं निकलेंगे। और दोनों वार्तालाप कर रहे हैं तभी माताजी आ जाती हैं और माताजी आके फिर उनको डांटती हैं। कहती, तुम दोनों इतनी दोपहरिया में क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो दोनों घबरा जाते हैं। तो श्यामा अंडों को टूटा हुआ देख के मन में सोचती है, शायद भैया ने घोंसले में अच्छे से अंडों को नहीं रखा होगा तभी ये बेचारे अंडे नीचे गिर गए। तो मम्मी को शिकायत कर देती है अपनी माताजी को। श्यामा कहती है, माँ भैया ने क्या किया था, अंडों को छुआ था और अच्छे से शायद घोंसलों में नहीं रखा था, इसी के कारण जो बेचारे अंडे हैं वो धरती पर गिर गए। तो माँ कहती है, माँ डांटती है केशव, कहती तो इतनी ऊपर पहुंचा कैसे। तो कहती है माँ, फिर श्यामा तेजी से बताती है, माँ भैया ने स्टूल लगाई और उसके ऊपर चढ़कर फिर पहुंचे थे ये ऊपर। तो जो श्यामा, तो केशव है वो भी गुस्सा हो जाता है, कहता तूने तो पकड़ा था मेरे स्टूल को। तो कहता, भैया ने कहा था मुझे पकड़ने को तभी मैंने पकड़ा था। तो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी माँ कहती है कि तुम्हें केशव पाप लगेगा इनका, क्योंकि तुमने निर्दोष 3 बच्चों को तोड़ दिया। क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि अगर हम चिड़िया के अंडों को छू लें तो वो अपने अंडों को फिर नहीं सेती, अर्थात फिर चिड़िया वापस कभी उनको अपनाती नहीं है। और ये सुनने के बाद जो केशव था उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ, उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो दोनों तो उन बच्चों को बचाना चाहते थे लेकिन नादानी में उन्होंने ये गलती कर दी। और उसके बाद फिर वो दोनों चिड़िया कभी भी उनके कांडेस के ऊपर नहीं आई। तो विद्यार्थियों, आज मैंने आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का 3रा पाठ नादान दोस्त पढ़ाया। और इस पाठ को पढ़ाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमें कोई भी कार्य करने से पूर्व अपने बड़ों से पहले उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। जैसे इन दोनों बच्चों ने, ये दोनों बच्चों चिड़िया के बच्चों की देखभाल करना चाहते थे लेकिन नादानी में इन्होंने, इनसे अंडे फूट गए और उनमें से चिड़िया का भी कोई लाभ नहीं हुआ, बेचारी के 3 अंडे टूट गए। इसी प्रकार जो मुंशी प्रेमचंद है वो इतनी रोचक रोचक कहानियां लिखते रहते हैं। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि इन जो अभी लॉकडाउन हुआ है आप इस समय का सदुपयोग करिए और प्रेमचंद की ऐसी छोटी छोटी कहानियां आप भी पढ़िए, आपको काफी अच्छी लगेंगी। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपको कुछ प्रश्न पे चर्चा करना चाहूंगी, कुछ प्रश्नों पर अब हम चर्चा करते हैं। अब मैं दिखाती हूँ, जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे। तो आप लोग मुझे बताएंगे, अभी छत पर, कार्निस पर, खिड़की पर, पेड़ पर। जैसा कि हमें पता है कहां पर दिए थे, कार्निस पर, वेरी गुड। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, केशव कार्निस तक कैसे पहुंचा, सीढ़ी से, रस्सी से, स्टूल से कि टेबल से, किससे पहुंचा था,
स्टूल से। चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? एक, दो, तीन की चार, तीन अंडे दिए थे चिड़िया ने। अंडे को धूप से बचाने के लिए केशव ने उसे किस चीज से ढका? कपड़े से, कागज से, टोकरी से, पत्तों से? मेरे अनुसार तो टोकरी से ढका था, आपके अनुसार भी ना? हाँ। केशव और श्यामा ने चिड़िया को खाने के लिए क्या बिखेरा? ऊपर क्या रखा उन्होंने खाने के लिए? गेहूं रखे थे कि मक्का रखा था? चावल कि जौ? चावल। वेरी गुड। माँ बच्चों को घर से बाहर जाने से क्यों मना करती थी? धूप के कारण, ठंड के कारण, बारिश के कारण, अंधेरे के कारण? गर्मी का मौसम था ना, तो किससे बचाया होगा? धूप के कारण। माँ ने दोपहर में डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया। उस समय क्या समय था? मैंने अभी आपको बताया। उस समय क्या बज रहे थे? 2 बज रहे थे। तो यस, हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 2 बजे। अचानक श्यामा की आंख कितने बजे खुली? 2 घंटे बाद, अर्थात 4 बजे। यस, देखिए क होगा हमारा उत्तर। टूटे अंडों से जैसी कोई चीज बाहर निकली थी। क्या निकली थी? पाउडर जैसी? नहीं, चूने जैसी चीज बाहर निकली थी। यस, तो चूना हमारा सही आंसर होगा। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा पाठ नादान दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।